भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। सारा तो दे दो भाई, लो भाई सारे भाई लो रे आ जाओ। इसके वो बनाते भाई नमस्कार, मैं अजय। पूरे शहर के अंदर एक चर्चा है, पूरे शहर के अंदर एक बस ये है समागम जैसा माहौल देखा जा सकता है ब्रह्म महोत्सव के रूप में। तो जी आज एक कहावत याद आ गई, कहावत क्या थी भाई, चिड़ी संग बाद लड़ाऊं और 1.25 लाख से एक बिड़ाऊं और गोविंद सिंह नाम धराऊं, नाम डाल रहा हूँ। तो जी आप देख लो, ये 1.25 लाख तक कोई कम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो 25-30 आधार आदमी इकट्ठे होने हैं, लेकिन आज भगवान परशुराम मंदिर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं तो एक एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है, क्योंकि यही ब्रह्म महोत्सव के अंदर वो है अगुवाई करने वाले लोग हैं। और जी वहां का मेरे पास कोई इन्विटेशन था नहीं, तो इन्होंने मेरे को इनवाइट किया हुआ था कि भाई साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम है महोत्सव का, ब्रह्म महोत्सव का, तो आपने यहाँ से कवरेज करनी है। तो वहां का प्रोग्राम को था नहीं, तो वहां पे कौन जाएगा, लेकिन ये जी 1.25 लाख जो यहाँ पे खड़े हैं वो एक ही बंदा 1.25 लाख जैसा है, तो हम बात यहाँ से करने का काम करेंगे क्योंकि पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये चर्चा है कि विश्व तक के आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, शहर के लिए अच्छी बात है, अपने समाज के लिए अच्छी बात है, ब्रह्म महोत्सव के लिए। छोटी काशी का नजारा आज एक अलग नजारा निहारा जा सकता है, उसके अंदर चाहे टीके की बात हो, चाहे क्रांति एडवोकेट साहब की बात हो, चाहे सोनू की बात हो, चाहे राजू नांगल की बात हो, चाहे वो रविंद्र बापड़ की बात हो, चाहे और भाई साहब की बात। आज भाई साहब आप आ गए, नमस्कार। तो 1.25 लाख तो सामने बन के एक लिए आप आए हो, आपकी टीम आई है, साथी वहां पर पहुंचे हो चुके हैं, तो क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है? ब्राह्मण महोत्सव का कार्यक्रम है, सर्व समाज के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रम में सभी साथी इस कार्यक्रम में जोर शोर से बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और अभी तो समय हुआ 12 बजे का, तो वैसे ही समय अभी तो 12 बजे भी नहीं है, आप कार्यक्रम में जाकर देखना, कार्यक्रम में अच्छी संख्या। हाँ तो 12 बजे जब कार्यक्रम, आपको भी पता जो कोई भी कार्यक्रम होता है 12 बजे का समय है, तो नेचुरली बात है 1.5 घंटा तक लेट तक साथी पहुंचते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या माने? उद्देश्य तो देखिए, मैं तो सिर्फ इतना भी, समाज का कार्यक्रम है, हमें समाज के कार्यक्रम में पहुंचना है। अब उद्देश्य इसके संयोजक कमांडर सुनील शर्मा जी हैं, उसका उद्देश्य तो वही बताना, लेकिन उन्होंने तो बुलाया है, तो मतलब आप तो बुद्धिमान, आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मतलब आप तो बुद्धिमान सवाल करो, उद्देश्य क्या है? आज आप फटका फिर चल पड़े हो, प्रोग्राम आ गए हो, आपकी अगुवाई में 1.25 लाख लोग बराबर के गिनती करके आ रहे हो, तो उद्देश्य क्या माने आप, वो लोगों को क्या समझा पाएंगे? अगर उद्देश्य की आप बात करें ना, हमारा उद्देश्य है जब समाज के कोई व्यक्ति है उनका उद्देश्य एक ही होता है, जब समाज किसी कार्यक्रम के अंदर अगर उसको बुलाता है और जब समाज का कोई भी कार्यक्रम होता तो हम सब का एक दायित्व बन जाता है उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचने का, तो उसमें उद्देश्य वहां कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, समाज का कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम। मेरा काम तो बुझने का है, बुझ तो गए जी। भाई नमस्कार जी, भाई साहब प्रणाम। आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति हर प्रोग्राम में देखी जाती है, चाहे वो कमला भवन की थी जी भाई, राजू नांगले प्रोग्राम किया था, चाहे आपके सर्व समाज की आलू बाजार के अंदर प्रोग्राम था, आपको वहां पे भी दिख रहा था, बाकी को समाज का कोई प्रोग्राम हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उसको ये है बहु मती बना देते हैं, ये अच्छी बात है समाज के लिए, क्योंकि आप जैसे हीरे बहुत कम पैदा होते हैं समाज के अंदर, तो आज का प्रोग्राम का उद्देश्य क्या समझ रहे हैं? ऐसा है भाई साहब, उद्देश्य का तो ये हम 5-4 दिन से लगे हैं, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि आयोजन जो भी है समाज का वो भव्य होना चाहिए, और बहुत से भाई टीम है ना हमारी, सब भाइयों की टीम में अलग अलग जगह से इकट्ठी हो रही है, कोई पालवास से आएगी, कोई नए बाजार से आएगी, कोई कोट रोड वगैरह से आएगी, कोई उमराव से आएगी, तो उनको 12 बजे का समय दिया गया था, आपको थोड़ा जल्दी आपने तो समझाना है भाई साहब, तो हो सकता है आधा घंटा हम लेट पहुंचे, पर हम सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होके वहां पर स्थान करेंगे और उस आयोजन को भव्य बनाने में अपना यथाशक्ति सहयोग करेंगे। जिस प्रकार से अपने कमला भवन के अंदर प्रोग्राम किया, तो वहां पे जब ये था कि राजू नांगल अपने आपको दिखा रहा था, मैं तीर्थार्थी हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हम गर्दिश में है, हमारे कोई भागीदारी नहीं है, ये आपका आलू बाजार में प्रोग्राम था, मुकेश गोड को आपने आगे किया हुआ था, भाई भाजपा से हमारा कैंडिडेट अगर टिकट मिलती है तो पूरा समाज इकट्ठा होकर वहां पे जाएगा, तो जो आज ब्रह्म महोत्सव का उद्देश्य था वो समझाए। ऐसे ब्रह्म महोत्सव का उद्देश्य तो आदरणीय कमांडर साहब बताएंगे भाई साहब, और हमारा तो ये उद्देश्य है कि भाई उनका जो आयोजन है हम सब ने मिलकर उसको है ना सफल बनाना है और भव्यता प्रदान करनी है, और ये सब होता है सामूहिक प्रयास से, एक अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, और सब भाई मिलके जुल के इसको बहुत सफल बनाएंगे और भव्य होगा ये आयोजन भाई साहब, होगा जी भाई। लेकिन 25,000 आदमी आने, 30,000 आदमी आने हैं, जिस प्रकार से तो आपके लिए कितने आदमी गैदरिंग थी, कितने आदमी ड्यूटी लगी थी आपकी?
वैसे वैसे हमारी लगभग हमारी सब भाइयों की टीम है ना, राजू भाई की है, रविंद्र जी की है, सोनू भाई, ये लगभग 1000 से 1200 भाइयों के है ना, वहाँ साथी भाई शिरकत करेंगे उपस्थित जी, हमारी हमारे सारे भाइयों की है। आप एडवोकेट है क्योंकि आप वो कहावत तो अच्छी बोल सको, वो कहावत दोबारा बोला पहले जरा, मैं बोलूंगा अधूरी बोली बोला, चिड़ी के संग बाज लड़ावा ता गोविंद गुरु सिंह नाम का सवाल का जिक्र करो ना। हाँ हाँ, तो सवा लाख का जिक्र आया है तो कह सको कि एक एक आदमी सवा लाख के बराबर आ रहा है फिलहाल? बिल्कुल आया हुआ है जी, और समाज का हर आदमी के अंदर हर जो है ना उसके अंदर उत्साह है पूर्ण रूप से, और वहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, और हम सब भी यहाँ राजू भाई के साथ, टीके भाई के साथ, और अपने राजकुमार जी वीडियो के साथ हम सब भी वहाँ पहुँच रहे हैं, और भव्य प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सुंदर सुरीन कमांडर जी ने वहाँ इंतजाम किया हुआ है, और पूरे शहर से और बाकी दूसरे शहरों से भी और अनेक राज्यों से भी लोग जो है ना वहाँ बड़े चाव भाव से पहुँच रहे हैं। वहाँ पे ऐसा शहर में आज देखने को मिल रहा है, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, तो बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ आज ब्रह्मोत्सव जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। तो नमस्कार। नमस्कार, युवा है जी, आपकी एक भागीदारी अलग रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम में क्या भागीदारी युवा निभाओगा, किस प्रकार का प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य प्रोग्राम का? भागीदारी भाई मारा तो ये है, कमांडर भाई ने प्रोग्राम कर रखा है, समाज का प्रोग्राम है, और सारे भाई इकट्ठे हो गए आ रहे हैं, और बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, और भी भाई आने लग रहे हैं, आपका आगे फोन आने लग रहे हैं, तो बहुल्य संख्या जाएगी हमारी। बहुल्य कितनी मान से भाई साहब ने बताया 1200-1300 जितने भाई बन जाए, 2000 भी हो जाए, फोन तो हमने बहुत घनी कर रखी है भाई साहब, आने लग रहे हैं भाई साहब जी। तो बताएं आपकी जो आज की टीम है, जो आप जगह पीड़ा है वो कंधे पे कहीं ना कहीं राजू दांगल पूरा पूरा भारत देखे जा सके है, वो कह रहे हाथी पा में सब का शेर, जिस तरह मैंने बात करी राजू नांगल टीम में, हर जिसका बात करी राजू नांगल टीम में, तो राजू नांगल की टीम है, राजू नांगल किसका समर्थन में है, राजू नांगल के मोटिव के है, राजू नांगल का किस प्रकार का? देखो अजय भाई, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, ये एक मतलब सामाजिक प्रोग्राम है, मोटिव है भाई एक समाज की ताकत दिखाना, जैसे पहले ब्राह्मण समाज जयपुर में इकट्ठा हुआ था उसी तरह पे आज यहाँ इकट्ठा होगा और हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे। लगा को नहीं कि बार बार में प्रोग्राम करके मजाक बन जाए समाज? नहीं, मजाक तो बनने नहीं देंगे ना, जब युवा बढ़ चढ़ के भाग लेगा और अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा दर्ज करवा होगा तो मजाक नहीं बनेगा। जिस प्रकार आपका प्रोग्राम था, आपका कमला भवन प्रोग्राम था, फिर आलू बदान प्रोग्राम था, फिर एक महीने में तीसरा प्रोग्राम हो गया, तो मैं उसी बात ऊपर ले लूं कि ऐसा नहीं कि मांगना चक्कर में अपने आपका मजाक बना बैठो? ना ना, मजाक नहीं बनने देंगे, युवा है साथ लग रहे हैं, मजाक तो जब बना जब हम प्रोग्राम करा और कुर्सी खाली रह जाए, वो तो एक उपवास का पत्र बने, लेकिन अब इसके माध्यम से हमें 25,000 कुर्सियां 30,000 कुर्सियां वो एक्स्ट्रा कुर्सी टंटों के पीछे बड़ी हैं वो सारी भर जाएंगी? हाँ, सारी भरेंगी, हर आदमी अपने प्रयास में लगा हुआ है, हम यहाँ से कम भी 1500 के लगभग भाई इकट्ठे होके न, जो भाई चाचा जी आ रहे हैं, भाई टीके हैं, भाई साहब हैं, वकील साहब अपने, तो सबकी मतलब अथक प्रयास है, और भाई ऋषि है, प्रदीप है, सारे भाई अपने अपने हिसाब से मतलब आदमी इकट्ठे करने लग गए। 1500 आदमी करना आसान को नहीं, करना बड़ा मुश्किल को नहीं? हमने तो पहले भी करके दिखाए हैं भाई साहब, आपने पता है आज के प्रोग्राम, लेकिन आज का हम अपनी तरफ से इतने लेके जावांगे सर, आप बुद्धिजीवी हैं, उम्र दराज हैं, हम आपके माध्यम से भाई साहब EBPG जो भी लागू करेगा हम उसके साथ होंगे, और ब्राह्मण समाज के लिए भाई जो लोकसभा की टिकट हैं 3 टिकट उनकी, और जो विधानसभा क्षेत्र की हैं 20 टिकट विधानसभा क्षेत्र की, और ये चीज की मांग भी कराएंगे हम इस मंच के माध्यम से आज। तो सर बताएं थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में, बताएं क्या प्रोग्राम, थोड़ा इशारा पहले जो पत्थर गांव आ गए तो बोल लो कोने का इशारा भाई जी। आज का जो ये प्रोग्राम है ब्रह्मोत्सव का, ये एक ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है, और इसमें ब्राह्मण समाज को अपनी एकता और ताकत दिखाने का प्रोग्राम है, और इसमें जिस तरह ये हमारे युवा साथी हैं इनका योगदान तो है ही, और मैं जिस तरह विद्यानगर में रहता हूँ, विद्यानगर और कीर्तिनगर दोनों कॉलोनियों से कम 500 बुजुर्ग और युवा वहाँ पहुँचने लग रहे हैं, अभी वहाँ से चलना शुरू हो गए हैं, विद्यानगर से कीर्तिनगर से। तो ये ब्राह्मण का प्रोग्राम है, छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ब्रह्मोत्सव है तो ब्राह्मण समाज का है, तो हर समाज अपना अपना समाज का प्रोग्राम है, हर समाज अपना अपना कार्यक्रम करता है, तो ये इसमें वैसे तो किसी को मना ही नहीं, सभी आएंगे प्रोग्राम में,
लेकिन ब्रह्मोत्सव ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम है और ये समाज की ताकत और एकता का परिचय दिया जाएगा। और दूसरा इसमें फौजी भाइयों का सम्मान और जो गौरक्षक हैं उनका सम्मान किया जाएगा। सर आज का फिर मोटिव उद्देश्य क्या माना जाए प्रोग्राम? उद्देश्य यही है, सम्मान समारोह है, ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है, फिर सैनिकों को और गौसेवकों को किया जाएगा। तो टिकट मांगने का उद्देश्य है या राजनीतिक भागीदारी देने का उद्देश्य है या सिर्फ सैनिकों को सम्मान है या फिर गौरक्षक का सम्मान है? गौरक्षक और सैनिकों का सम्मान तो है ही और ब्राह्मणों की एकता, समाज की एकता का और उसकी ताकत का भी परिचय दिया जाएगा। और दूसरा ये टिकट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जब हमारे प्रोग्राम सफल होंगे तो अपने आप ही हर पार्टी ये सोचेगी अब हम ज्यादा से ज्यादा टिकट दें जहां इनका अधिकार बनता है ब्राह्मणों का। बस टिकट मांगने की जरूरत पड़ेगी समाज को की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी भागीदारी देखा आपकी तो युग युग तक इतिहास रहा है। नहीं, टिकट मांगने की जरूरत क्या है, समाज सबको दिखता है, सब पार्टी को दिखता है और टिकट देती भी है पार्टी और अब की बार भी देंगे। अगर समाज एकजुट होके अगर प्रयास और करेगा तो अपनी भागीदारी फालतू ले पाएगा। आपकी बात लगा भिवानी का ब्राह्मण समाज में ज्यादा अंगड़ाई को ले रहा, हर बार हर चौक पर प्रोग्राम लटका दे है। बिल्कुल लेना चाहिए भाई साहब, जरूर था आज के दिन। लेकिन वो चेहरे फिर आपका पाजे है, वो मुकेश गोड़े पाजे है, वो फिर आटा पाजेंगे तो टिकट मांगो किसकी? देखो हम सामाजिक रूप से संगठित है, हम ये दिखाना चाहते हैं हम साथ हैं, कोई भी एक आओ। और अब की बार मैं इस ब्राह्मण समाज से ये भी कहना चाहूंगा, जितने भी ये टकटारथी हैं इनको सारे इकट्ठे करके ने एक जना ने लिया हुआ गए, अगर ये एक नहीं आते हैं ये अलग अलग जाते हैं, कोई अलग पार्टी से टिकट लेता है, कोई अलग पार्टी से टिकट लेता है, तो ब्राह्मण समाज से मैं ये भी अपील करूंगा इनका बहिष्कार करके और एक निर्दलीय उठाया जाए अपना, और जिस तरह समाज की खराब माटी ना हो और अपना समाज अच्छे तरीके से अपना ताकत दिखा सके। समाज तो बहुत बड़ा आपका, तो आने पर आ गया समाज तो बहुत बड़ा आपका आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक कमांडर सुनील कमांडर दिख रहा, चाहे वो होल्डिंग के माध्यम से बात हो, चाहे वो पोस्टर की बात हो, चाहे वो आज वो लगा रखे तो राज्यों को लगा रखे, वो सिर्फ एक समाज एक बंदा दिख रहा, बाकी समाज के अंदर नेता नहीं है, बाकी समाज के अंदर सेवा समाज सेवी को नहीं, बाकी समाज के अंदर सैनिक को नहीं या गौ रक्षक को नहीं। नहीं, आप ये आपने खुद ही एक बात कही है कि भाई आपने राजू जी ने भी प्रोग्राम करा, मुकेश गोड ने भी प्रोग्राम था, एक मिनट राजू का प्रोग्राम था तो सरोज जाते था, उसमें हर प्रकार के लोगों के होल्डिंग थे, मुकेश गोड का प्रोग्राम था, ये टीके था, अगुवाई करने वाले थे, सोनू अगुवाई करने वाले थे, तो हर समाज के लोगों के होल्डिंग थे। लेकिन जो आज का प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम के अंदर तो आवेदक भी एक, आयोजक भी एक, निवेदक भी एक, संयोजक भी एक, यानी सारा सौदा एक है, तो फिर वह नहीं, उसमें उन्होंने सबकी कंसेंट से ही सारा जो है ना वो काम किया है, ऐसी कोई बात मेरे को नजर नहीं आई। बाकी ठीक है, वो सुनील कमांडर जी का अपना वो है कि उन्होंने अपना फोटो आगे रखा है तो उसका जवाब तो वही दे देंगे। वैसे आपके समाज को नमन है जी, ये रियलिटी मानना, क्योंकि आपके समाज की जो एकता है वह आज देखी जा सके है, ये सीखने वाली बात है प्रत्येक समाज को राजनीति की हिस्सेदारी के अंदर, अब चाहे मन के अंदर कुछ भी हो, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के आगे ये बंदे सिर्फ ये है कि आज भी समाज की बात करे, चाहे समाज के प्रोग्राम को आयोजक किया जा रहा हो, चाहे किसी और प्रकार की बात हो, चाहे कोई भी बात भी हो, लेकिन इनके दिल में समाज ही समाज है, बाकी मन में बात है। बोल दिया ऐसे भाषा हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, चाहे कोई भी भाई आयोजन करे हम उनको है ना बधाई देते हैं, उनका मंगल कामना करते हैं कि उनके हर एक भाई का जो भी आयोजन है वो सफल हो। लेकिन जिस प्रकार से आपके 2-3 प्रोग्राम हुए हैं वो 200 प्रोग्राम गए हैं, यानी शहर में प्रदेश में रुक का भट्टा उस प्रोग्राम का, चाहे कमला भवन था आलू बाजार था, तो आज का प्रोग्राम में रुक का भट्टा गया नहीं भट्टा गया। जो टीम वर्क होता है वो तो निसंदेह है भाई साहब, ऊंचाइयां छूता है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई साहब, जो टीम वर्क होता है ना सामूहिक रूप से जो प्रयास होते हैं उनका तो अलग ही छटा होती है, लेकिन तो काले बाल काली मूछ कर रखे हैं। हां भाई साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, समाज की एकता और समाज की ताकत का ये प्रोग्राम है, इसमें चाहे कोई एक आयोजक हो चाहे पूरा समाज आयोजक है, हम तो एक तो उन्हें मंच दे दिया, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके साथ हम खड़े हैं। और जहां राजू नांगल की बात है, राजू नांगल ने जो प्रोग्राम किया था वो मकर संक्रांति का सर्व जातीय प्रोग्राम था, मिलन समारोह था, मिलन समारोह। और जहां तक मुकेश गोड़ की बात है, वो मुकेश गोड़ ने नहीं किया था, वो सर्व समाज ने उनका जो जिला अध्यक्ष बनाए थे बीजेपी के, उनका सम्मान समारोह था। और ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली सामाजिक और ब्रह्मोत्सव गौरक्षक की का सम्मान और फौजियों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया है और इसको बिल्कुल हर दृष्टि से इसको सफल बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि अब राजनीतिक खेल हो चुका,
शुरुआत हो चुकी खेलने की? शुरुआत हो चुकी है जी, शुरुआत तो हमने पहले भी कर दी थी। हमारा मेन उद्देश्य 20 टिकट हरियाणा से चाहिए जी। अच्छा, जिस पार्टी जो देगी ना जी उसको हम निकाल के देंगे। और राजू भाई के नेतृत्व में आज हमने इकट्ठे किए हैं सभी युवा साथी, पहुंच चुके हैं और काफी संख्या में आने लग रहे हैं। अच्छा, जो आज या टीम इकट्ठी हुई पिछला मोहन में या राजू नांगले का नेतृत्व में आई? राजू नांगले के नेतृत्व में। अच्छा, दूसरी बात, राजू भाई साहब ने एक बहुत ही अच्छा विचार आया कि भाई जैसे भीड़ ज्यादा होगी तो जल की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो राजू भाई ने जल सेवा के लिए टैंकर की व्यवस्था जगह जगह कर दी है। अच्छा। मैम गेट से शुरू हो गई और भगत सिंह चौक तक टैंकर आपको मिलेंगे। अच्छा, राजू होल्डिंग के बजाय रात्रि में काम कर रहा? होल्डिंग लगाने की जरूरत है? होल्डिंग तो एक आदमी के बतेरे लग रहे हैं, हम तो अपना जमीनी स्तर पे काम कराएंगे और जमीनी से जुड़े हुए हैं। नर सेवा नारायण सेवा और अपने देहात में कम है जल ही जीवन है। राजू, सवा 12 हो चुके, 1000 बच्चों की कदर कब तक इकट्ठी होगी? भाई साहब आने लग रहे हैं, भाई साहब कमों से चल चुके हैं लोग आने वाले। तो जी वहाँ पे मेरे पास इनविटेशन नहीं था आने का, यहाँ पे मेरे पास इनविटेशन था दिखाने का। तो जी मैं यहाँ पे आगे समाज की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आगे मैं समाज के बुद्धिजीवियों की राय ली है कि क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो इन्होंने बताया कि अगुवाई कोई ना कोई करता ही है। अब यहाँ की अगुवाई कौन करेगा, किस तरह से होगी, वो तो भविष्य के गर्व की बात है, राजनीतिक विषय की बात है। क्योंकि भाई साहब ने कहा कि 20 टिकट हरियाणा से मांगने की समाज गुजारिश करेगा, मांगने का आग रखता है, ये बात ना सब ये है। तो जी अब ये राजनीति बंद हो चुका है, ईपीबीजी सामान्य वर्ग के लिए ईपीबीजी लागू हो जी। चलो जी, ये प्रोग्राम है और ये ब्रह्म महोत्सव का प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत के रूप में देखा जा सका है। जे एन सी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।